आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड सहायक आचार्यों का जो परीक्षा का डेट है वो चेंज हो चुकी है, और अब जो भी लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे, जो सीटेट पास है झारखंड से, वे भी अब अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग साइंस का टॉप 25 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और खास करके टीचिंग एग्जाम्स की क्वेश्चंस को लिया जा रहा है, सो दैट आप जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं उसी चीज का क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आपको देखने को मिले। तो सेशन का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कारों की हेडलाइट्स में किया जाता है? उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या दो तरफा दर्पण? इसका आंसर आप लोग करिएगा। और सेशन में अगर नए हैं, चैनल में नए हैं, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट एग्जाम तक जितने भी सेशंस अपलोड होगी ऑन डेली बेसिस, आपको उसकी जानकारी मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सो दैट जो वीडियो बनाने की मोटिवेशन है वो मिलते रहे। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, हेडलाइट्स में हम लोग कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल हेडलाइट्स में किया जाता है, गाड़ियों के हेडलाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे फिजिक्स से है, और ये क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है कि जो त्वरण होती है, एक्सेलरेशन होती है, उसकी एसआई यूनिट क्या है? त्वरण का एसआई यूनिट आपसे पूछा गया, मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड। तो त्वरण का जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण एक्सेलरेशन का आपका एसआई यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि विद्युत विभावांतर जो है उसका एसआई यूनिट पूछा गया आपसे, विद्युत विभावांतर का एसआई यूनिट। तो चार ऑप्शन आपके पास, एम्पियर, वोल्ट, ओम एंड कुलम। तो कुलम किसके एसआई यूनिट होती है अगर हम लोग बात करें, तो कुलम हो जाएगा आपका आवेश का एसआई यूनिट, कुलम होती है। उसके बाद एम्पियर किसका होता है, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का एसआई यूनिट ओम होती है। तो इस प्रकार से अगर आप इलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे तो भी आपके पास कौन सा ऑप्शन बच जा रहा, वोल्ट बच जा रहा। तो विद्युत विभवांतर का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि वाट सेकंड किसका मात्रक है, वाट सेकंड की मात्रक आपसे पूछी गई है, और ये केवीएस में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। 2018 में जो केवीएस पीआरटी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो जो आपका वाट सेकंड है वो किसका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का। किसका हो जाएगा, ऊर्जा का। आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बल का ऐसा यूनिट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे कि प्रकाश वर्ष डैश की एक मापन इकाई है, प्रकाश वर्ष किसका एक यूनिट है ये आपसे पूछा गया है, प्रकाश की तीव्रता की, तापमान की, भार की, या दूरी की। तो प्रकाश वर्ष जो है, लाइट ईयर, आपका डिस्टेंस का यूनिट है, किसका, दूरी मापन की एक इकाई है प्रकाश वर्ष। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का एक जो कोशिश है इसमें आप ही लोग हेल्प कर सकते हैं इसको, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके। तो हम लोग अब बात करेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का। हाफ एम वी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का। इसका आपसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछे गए है कि हाफ एम वी स्क्वायर के लिए आयामी सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी। तो मास, पहले यहाँ पर आपका मास है, तो मास का जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होती है क्या होती है, एम होती है। अगर हम लोग वी स्क्वायर की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात हो रही है, गति की बात हो रही है, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, एल टी टू हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर एल टी हो जाएगा, सिंपल समझिए कि एल टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर लिखा है, तो इस प्रकार से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या आपका, एम एल टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एम एल टी स्क्वायर आपका हाफ एम वी स्क्वायर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कि वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापी जाती है, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसको हम लोग किस डिवाइस से मापते हैं, एमीटर, बैरोमीटर, गैल्वेनोमीटर या सिस्मोमीटर। एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं, किससे, बैरोमीटर से। एमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापने के काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संवेग का सूत्र क्या है, संवेग का फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग, या द्रव्यमान इंटू गुरुत्व इंटू ऊंचाई, या टू इंटू एम वी स्क्वायर, या द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर। जो पी बराबर, पी संवेग को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, और पी बराबर होती है मास इंटू वेलोसिटी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संवेग का जो ऐसा यूनिट है या फॉर्मूला है वो क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान और वेग की गुणनफल को संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि कोई दो पिंड है, कोई पिंड दो क्रमागत समान दूरियों को V1 और V2 चालों द्वारा तय करता है, इस पिंड का औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया है।
एक पिंड का जो चाल है वो V1 है और दूसरा पिंड का जो चाल है वो V2, चाल से वो लोग क्या कर रहा है, मूव कर रही है। तो औसत चाल क्या हो जाएगा आपका, टू वी वन इंटू वी टू बाई V1 प्लस V2, इसका आपका औसत चाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होती है। जब भी उत्तल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनती है। उत्तल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब सीधा बनेगी आपका, तो प्रतिबिंब सदैव क्या होगी, काल्पनिक होगी यानी कि आभासी होगा, बट सीधा होगा। क्या होगा, सीधा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि ये जो भी सेशन ले रहे हैं इसको लाइव ले या ऐसे ही अपलोड करें, जिसमें भी आप लोगों का टाइम बचेगा उसी हिसाब से सेशन को कंटिन्यू कराया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जब दो समानांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है, कोई दो समानांतर शीशा है, यहाँ भी एक शीशा है और उसी के पैरेलली और एक शीशा को रख दिया गया और उसके बीच में कोई एक वस्तु को रख दिया गया, क्या रख दिया गया, उसके बीच में एक वस्तु को रख दिया जाएगा, तो उससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे। जब आप किसी आईना के सामने खड़े होते हैं, समतल दर्पण के सामने, तो आपका एक ही प्रतिबिंब बनती है, बट जब दो दर्पण को हम लोग समानांतर रख देंगे तो आपका जो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी ये क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अनंत प्रतिबिंब आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी रसोई सामग्री का उपयोग पानी के हिमांक को कम करने के लिए किया जाता है। कौन सा हम लोग रसोई सामग्री का इस्तेमाल करते हैं पानी के हिमांक को कम करने के लिए। नमक का इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा या सिरका। तो रसोई सामग्री यानी जो किचन में मिलने वाली सामग्री है जो पानी की हिमांक को कम कर देगा वो क्या हम लोगों के पास, नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो हम आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो कैल्शियम का जो केमिकल आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सीए से। कैल्शियम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सीए से। कैल्शियम का परमाणु संख्या की बात करेंगे हम लोग तो 20 होती है। कितना होती है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। बट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, तो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 40। कितना हो जाएगा, 40 कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि उदासीन विलयन जो होती है, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होती है, विलयन होती है, उसका पीएच मान क्या है। तो न्यूट्रल का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर 7 से कम होगा तो वो क्या होगा, एसिड होगा। 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्लस NOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या क्या बनेगी। तो यहाँ आपका गैप को फिलअप करना है, प्लस H2O तो बनेगा ही। तो जैसे कि हम सभी को पता है इस रिएक्शन को आप देखेंगे तो यहाँ पर Na प्लस होगा, Na क्या होगा, प्लस होगा और OH माइनस होगा। आप इधर HCl वाला हम देखेंगे तो H प्लस होगा और Cl माइनस होगा। तो ये जो Na प्लस है ये Cl के साथ जुटेगा और ये जो OH माइनस है ये H प्लस के साथ जुटेगा। तो ये OH माइनस H प्लस के साथ जुटकर क्या बना दिया, यहाँ पर H2O बना दिया। बच गया कौन, Na प्लस और Cl माइनस। तो Na प्लस और Cl माइनस जुड़ करके क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा यानी कि सोडियम क्लोराइड बन जाएगी यहाँ पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डैश में क्या आएगा, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड है। चार ऑप्शन दिया है, H2O यानी कि पानी, NaCl क्या, सोडियम क्लोराइड, नमक, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और H2SO4। ये जो आपका H2SO4 है जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ये आपका क्या है, एक एसिड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बहुत ही आसान क्वेश्चन कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। किसका, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। ये भी इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कांसा जो है वो किसका मिश्र धातु है। जब दो धातुओं को हम लोग आपस में मिलाते हैं तो क्या तैयार हो जाती है, मिश्र धातु बन के तैयार हो जाती है। और यहाँ पूछा ही गया आपसे कि कांसा जो है उसका मिश्र धातु क्या होगा। तो कांसा किसका मिश्र धातु है, कापर और टीन को जब हम लोग आपस में मिला देते हैं तो हम लोग सामने क्या बन के तैयार हो जाती है, कांसा। क्या तैयार हो जाती है, कांसा।
तो कांसा किसका किसका मिश्र धातु है? कॉपर और टीन का मिश्र धातु है आपका कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से कि न्यूरॉन क्या है। ये क्वेश्चन आपका पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस है आपका एग्जाम में कि ऊर्जा की मौलिक इकाई को हम लोग न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपसे पूछा गया है कि रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने वाले पदार्थ है न्यूरॉन एक, या न्यूट्रॉन के प्रतिद्रव्य है। बट न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई है। आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसका फंडामेंटल यूनिट को हम लोग न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोगों का सेल जो है, सेल क्या है? एक फंडामेंटल लाइफ है, फंडामेंटल यूनिट है हम लोगों के बॉडी का। उसी प्रकार से जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है आपका? न्यूरॉन। बहुत सारे न्यूरॉन आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करती है? तंत्रिका तंत्र की निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आरबीसी जो है आपके पास, रेड ब्लड सेल का औसत जीवन काल कितना है? 3 से 4 दिन का जीवन काल होती है आरबीसी का, या 120 दिन का, 12 दिन का, या कभी नहीं मरती। तो आरबीसी का जो जीवन काल है आपका जो रक्त में, वो कितना हो जाएगा? 120 दिन, 120 डेज। और ये क्वेश्चन आपका पूछे जाने के सर्वप्रमुख चांस है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है कि आरबीसी का एवरेज लाइफ टाइम कितना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका केवीएस में पूछा जा चुका है कि मानव का जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड है, मानव रक्त का पीएच किसके मध्य होनी चाहिए? 5 से 6.5 के बीच में, 6.5 से 7.5 के बीच में, या 8 से 8.5 के बीच में, या 7.35 से 7.45। तो मानव का रक्त जो है थोड़ा सा क्षारीय है, क्या है? क्षारीय है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में मानव रक्त का क्या होनी चाहिए? पीएच का वैल्यू होनी चाहिए। तो मानव रक्त का पीएच वैल्यू का मान 7.35 से 7.45 के बीच में होती है। तो सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक सामान्य मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोजोम्स की संख्या पूछी गई है आपसे। तो मानव शरीर में जो क्रोमोजोम होती है वो 23 जोड़ी में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? 23 जोड़ी में पाई जाती है। बट यहाँ पूछा गया कि टोटल क्रोमोजोम की संख्या कितनी है, तो 2 जोड़ी पाया जाता है, तो 23 × 2 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 46। तो मानव शरीर में क्रोमोजोम्स की जो संख्या है वो कितनी होती है? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि नेत्रदान के समय आंख के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? जो भी व्यक्ति का डेथ हो जाता है और अगर वह नेत्र का दान करना चाहे, या जीवित अवस्था में भी अगर आंख नेत्रदान करना चाहिए, तो आंख के किस भाग को हम लोग देते हैं? आंख का जो आपका कॉर्निया है, सॉरी कॉर्निया, आंख का जो कॉर्निया है इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। तो नेत्रदान में आंख के किस भाग का प्रयोग होता है? कॉर्निया का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में जो छोटी आंत पाई जाती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मानव पाचन तंत्र में जब पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पर आपको बताएंगे कि सारा सिस्टम। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 7.5 मीटर जो है छोटी आंत की लंबाई होती है। जब आप उसको खोलेंगे तो वो कितना लंबा हो जाएगा? 7.5 मीटर तक की लंबाई होती है, जो हम लोगों के पेट के अंदर किस स्ट्रक्चर में रहती है, इस टाइप से ये पाया जाता है। जब इसको आप सीधा करेंगे तो ये 7.5 मीटर के आसपास की लंबाई की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में वो प्रक्रिया जिसमें जल जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे बाष्पोत्सर्जन के नाम से जाना जाता है, वेपोराइजेशन प्रोसेस, जिसमें जो जल है जलवाष्प के रूप में पौधे की पत्तियों से क्या होती है? बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के सेशन में लगभग लगभग हम लोग कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए? 25 क्वेश्चंस लाए गए आज के सेशन में। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम तक आपका साइंस में ही आपका 2500 से 3000 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट का भी जो है एमसीक्यू सीरीज हम लोग लेके आएंगे बहुत ही जल्द। बट आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सो देट ये पता चले कि फीडबैक कि हाँ सेशन को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं है। अगर आप लोग लाइक वगैरह नहीं कीजिएगा तो इससे सही पता चलेगा कि इंटरेस्ट वगैरह नहीं ले रहे हैं तो बनाने का भी मन नहीं करेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसको शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।